इसराइल के अंदर चार महत्वपूर्ण खाड़ी देश मिलकर समिट कर रहे हैं, ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही बड़ी घटना है। नेगेव में होने वाली समिट से पहले इसराइल ने ये कह दिया है कि ईरान केवल और केवल इसराइल के लिए समस्या नहीं है। यूक्रेन में शुरुआत हुई समस्या खाड़ी देशों के अंदर पहुंच गई है, अमेरिका के लिए डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ईरान और यूक्रेन दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, मगर सबको पता है कि अमेरिका केवल और केवल यूक्रेन के साथ है, ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं। कुछ ही दिन पहले इंडिया के ये अमेरिका से स्टेटमेंट आया था कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज को डेमोक्रेटिक के साथ होना चाहिए, इसीलिए अमेरिका के लिए स्थिति डावाडोल हो गई है। इस समय जो समिट चल रही है, बहरेन, इजिप्ट, मोरक्को और यूएई सभी के सभी बैठे हैं इजराइल के अंदर। पहले ये माना जा रहा था कि वॉर जितना लंबा होगा पुतिन को नुकसान होगा, मगर अब ये स्थिति आ गई है, वॉर के लंबा होने पर नेटो में कलह हो रही है। यूक्रेन के बिल्कुल नजदीक पोलैंड के अंदर आकर बाइडेन बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपकी फ्रीडम हमारी फ्रीडम है। अजीबोगरीब तरीके से उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो समय चल रहा है बहुत ही डिफिकल्ट है, मगर पोलैंड के साथ में उनके रिलेशंस बढ़ रहे हैं। जो लोग डिप्लोमेसी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझते हैं उनको पता है कि हर स्टेटमेंट के पीछे एक और अर्थ छुपा हुआ होता है, वो सामने आ गया। नेटो कंट्रीज को अगर ये बताने की जरूरत पड़ती है कि हमारे बीच के अंदर जो रिलेशंस है बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उनके रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे। इन सब के पीछे कई सारे कारण है। पहला कारण ये है कि यूक्रेन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर जो कंट्रीज आती है उन पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है रशिया का। जिस समय युद्ध शुरू हुआ था 3 मार्च को हंगरी ने ये बोला था कि जितने भी सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाए जाएंगे हम उनके साथ हैं, मगर ये बाद में पलट गए। 3 मार्च के 6 ही दिन बाद में 9 मार्च को हंगरी ने बोल दिया कि हम किसी भी सैंक्शन में जिसके अंदर रशियन एनर्जी इन्वॉल्व है साथ नहीं देंगे। हंगरी के सबसे बड़े न्यूज एजेंसी में जो खबर छपती है इंटरनेशनल मीडिया से साफ हो जाती है, दिखाता नहीं कोई। बिल्कुल क्लियर कट हंगरी ने बोल दिया था कि किसी भी प्रकार से जो युद्ध का प्राइस है वो हमारे नागरिक पे नहीं करेंगे। 6 दिन के अंदर ही हंगरी ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया था, मगर इंटरनेशनल मीडिया ने उसको 22 मार्च के बाद में स्वीकार किया। पहले तो इस बात को मान ही नहीं रहे थे, किसी के सामने आने ही नहीं दे रहे थे, मगर कब तक इस बात को आप छुपाएंगे? जब वॉर शुरू हुआ तो यूक्रेन ना इस तरफ जा सकता है ना इस तरफ, ये जो रेड बॉर्डर है यहां पर ये नहीं जा सकते। तो यूक्रेन का सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन हुआ है पोलैंड के अंदर और हंगरी के अंदर हुआ है। यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत सारे देश है, मगर जो देश यूक्रेन के बिल्कुल नजदीक है वहां पर इतने रिफ्यूजी आ गए हैं कि अब वहां पर समस्या उत्पन्न होने लगी है। यूक्रेन के इस बॉर्डर के अंदर जो कंट्रीज आती है उनके अंदर सबसे ज्यादा समस्या है इमिग्रेशन की। दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फ्रांस, स्पेन, ये सब जो कंट्रीज हैं फिलहाल इनके ऊपर वॉर का इफेक्ट नहीं हो रहा, और ये जो डिसेंट है इन कंट्रीज का, इन कंट्रीज के साथ में समय के साथ में वो बढ़ता ही जाएगा। सबसे बड़ी समस्या तो इमिग्रेशन की है, रेफ्यूजीज जो आ रहे हैं, उससे बड़ी समस्या ये है कि अगर रशिया नाराज हो गया तो सबसे पहले इनके ऊपर अटैक होगा, बाकियों पर नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं नेटो कंट्रीज के ऊपर क्योंकि ये इनको हेल्प नहीं कर रही। ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास में इतने सारे प्लेन है, इतने सारे टैंक है, जो धूल झाड़ रहे हैं उनको हमारे को क्यों नहीं दे देते। असली स्थिति यह है पोलैंड, हंगरी जैसे नेटो कंट्रीज जो रशिया के बिल्कुल कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे यूक्रेन के बाद, वो किसी भी प्रकार से युद्ध नहीं चाहती। अमेरिका का ये स्टेटस है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर वो कैप्टन अमेरिका की तरीके से दिखाई दे, और वहां पर जो डेमोक्रेसी है वहां की जो पब्लिक है वो भी यही पसंद करती है। खबर उड़ा दी जाती है कि अमेरिका की तरफ से पोलैंड से बहुत सारे जेट जाएंगे और वहां का एयरबेस को यूज करेंगे। ये बात सुन के पोलैंड के हाथ पांव फूल जाते हैं, हाथों हाथ ऐसा ट्वीट किया गया जो कभी कंट्रीज नहीं करती। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर के चांसलरी से ये ट्वीट किया जाता है कि बिल्कुल फेक न्यूज है, हम किसी भी प्रकार से अपने एयरजेट नहीं भेजेंगे और ना ही हमारा कोई भी एयरपोर्ट यूज होगा यूक्रेन के लिए रशिया के खिलाफ। अब यहां पर जग जाहिर हो गया कि जो नेटो कंट्रीज हैं वो सारी एक मत नहीं रखती, साथ ही में यूनाइटेड स्टेट्स की थोड़ी सी रेपुटेशन के ऊपर फर्क पड़ा है। इसराइल के अंदर जो समिट हो रही है जिसमें गल्फ कंट्रीज बहुत सारी पहुंची हैं, वो भी यूएस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं देने वाला। सबसे अजीब बात यूनाइटेड स्टेट्स ने इस समय कर दी है कि ईरान के जो प्रेसिडेंशियल गार्ड्स हैं उनके ऊपर टेररिस्ट का टैग हटा दिया है। इस बात को लेकर इसराइल बहुत ज्यादा नाराज है, मगर वो खुले तौर पर कुछ कह नहीं रहा। नॉर्मली गल्फ और इसराइल के बीच में संधि कराने वाली समिट्स होती है, मगर इस समिट के अंदर दोनों एकजुट नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ में जो यूएस की न्यूक्लियर डील हुई है ये पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी खतरनाक है। रशिया के साथ में नेटो कंट्रीज को सामने करके अमेरिका का जो स्टांस था वो बिल्कुल अब उसके पक्ष में नहीं जा रहा। जैसे जैसे वॉर खिंच रहा है अमेरिका की समस्याएं बढ़ रही हैं। तेल गैस यानी कि एनर्जी की क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने के चक्कर में एक नया विवाद शुरू हो गया है और अमेरिका के विदेश मंत्री केवल और केवल हर किसी को पीस डाउन, काम डाउन करने के लिए गए हैं क्योंकि गल्फ कंट्रीज ने और इसराइल ने यह कह दिया है कि अगर हम यहां से डिसअपॉइंटेड होकर गए तो हम अपने हिसाब से अपनी रक्षा करेंगे, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। यूक्रेन क्राइसिस शुरू होने से पहले कौन यह मानता था कि इसराइल और गल्फ कंट्रीज आपस में एक गुट बनाएंगी, अमेरिका पर प्रेशर डालेंगी और उनको यह बात कहेंगी कि ईरान के साथ में
पे डील मत करो। पूरी सिचुएशन के अंदर इंडिया की कोई खास एंट्री नहीं हुई है, मगर यूक्रेन को पहले से पता था कि यह मामला केवल और केवल इंडिया सॉर्ट आउट कर सकता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत का जो एक स्टेप था जो सोचा नहीं जा सकता था, उसके इतने लंबे कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे किसी ने सोचा नहीं था। आईओसी मीटिंग को इंडिया के खिलाफ में बुलाया गया था, सबको पता है, मगर यह भी सबने देखा कि एमिरेट्स, इजिप्ट और मोरक्को इंडिया के पास आ रहे हैं। और अब जाके यह भी कंफर्म हो गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री भी इंडिया के पास में आएंगे मीटिंग करने के लिए। इन सबका एक ही गुट है। कई सारे भविष्यवक्ताओं ने इंडिया के लिए भविष्यवाणियां की गई थी, मगर भविष्यवाणियों को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम नहीं मानते। फिर भी जो हो रहा है वो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। यूएस इस समय लगा है नेटो कंट्रीज के अंदर किस प्रकार से अपना कॉन्फिडेंस बनाए, साथ ही के अंदर गल्फ उनके हाथ से ना निकल जाए। रशिया ने एक वॉर घोषित कर रखा है जो कि अब दूसरी कंट्रीज के लिए भी समस्या उत्पन्न कर रहा है, जिसको रोकने की काबिलियत केवल और केवल एक ही कंट्री में बची है। वॉर जितना लंबा होगा खतरनाक होगा, जल्दी ही खत्म होना चाहिए। भारत की भूमिका इसमें रहनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।